हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे इस गाड़ी का अल्फा गाड़ी का ये देखिए बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है। इसका फ्यूज देखिए हॉर्न और वाइपर एक साथ रहता है, ठीक है। इसमें हॉर्न और वाइपर जो रहता है 10 एम्पियर का फ्यूज बार बार उड़ जाए। जब चाबी को हम ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए इसका फ्यूज उड़ जाए। तो कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसका शॉर्ट पकड़े वो आप लोगों को दिखाएंगे, कहाँ पर इसका शॉर्ट है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको 10 एम्पियर में बार बार चेक कर रहा था, बार बार फ्यूज हो रहा था, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों के पास भी ऐसा वीडियो अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे ईजी में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका 10 एम्पियर का फ्यूज देखिए काटा हुआ है, ठीक है। अब मेरा हाथ का जो है तो मैं एक नया फ्यूज लगा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एक नया फ्यूज लगा दिया हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा, फ्यूज को ऑन करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे फ्यूज कट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास डायरेक्ट दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, जब चाबी को ऑन करेंगे फटक से कट जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, जब चाबी को ऑन कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, यही देखिए, जब चाबी को ऑन करो तो यहाँ पर एक फ्यूज कट गया। तो इसका फ्यूज है हॉर्न और वाइपर का, तो क्यों कट गए और कहाँ पर शॉर्ट है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए फ्रेंड्स, तो हॉर्न तो नहीं बजेगा और वाइपर भी नहीं बजेगा, तो मतलब नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूज बार बार कट जा रहा है और ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। तो नया लगाऊंगा तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट कहीं पर है, तो कहाँ शॉर्ट है वो आप लोग को दिखाएंगे। तो कैसे शॉर्ट को पकड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, ठीक है फ्रेंड। मैं कैसे इसको चेक कर रहा हूँ, कैसे इसको मतलब फॉल को पकड़ूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका फ्यूज फिर से खोल दिया हूँ, ठीक है। तो फ्यूज खोलने के बाद क्या करूंगा, देखिए इसका दोनों प्रॉब्लम हो सकता है। एक हॉर्न पे प्रॉब्लम हो सकता है, हॉर्न डायरेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो वाइपर का मोटर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका डैशबोर्ड पूरा खोल रहा हूँ और इसका जो हॉर्न और वाइपर का जो कपलर है उसको खोल दिया, मतलब हॉर्न नहीं, इसका जो वाइपर है उसका कपलर में खोल दिया हूँ। और इसका जो और कहीं पर शॉर्ट हुआ कि नहीं वो हम अभी चेक कर रहे हैं कि कहीं पर शॉर्ट हुआ कि नहीं, इसलिए मैं डैशबोर्ड को पूरा खोल दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इसका वाइपर है, इसका कपलर, वो मोटर शॉर्ट हो जाने के वजह से भी हो सकता है, तो कोई तो गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, इसका वाइपर का मोटर का कपलर खोल दिया हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो हॉर्न है और बाकी सारा जो कपलर है उसमें भी मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं ग्राउंड पर है कि नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं, कोई ठीक है, कोई कटा वटा की कोई है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका हॉर्न को चेक कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसे हॉर्न का तार गया है, तो मैं एक दिखा हूँ, देखिए यहाँ पर हॉर्न का तार गया है और यहाँ पर देखिए एक तार है, देखिए यहाँ पर छिला हुआ है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर टेप नहीं है और यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा करके देखिए कटा हुआ है। अगर मुझे लगता है ये कटा तार ये ग्राउंड में मतलब बॉडी में टच होकर ही बार बार कट जा रहा है। तो मैं इसको कैसे चेक करूँगा, देखिए मैं टेप लगाने के पहले मैं क्या करूँगा, देखिए कैसे इसको चेक करूँगा कि फ्यूज कट जा रहा है कि नहीं है और इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे पता करूँगा कि इसके वजह से ही इसका फॉल्ट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसका जो कनेक्शन है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। इसका ग्राउंड आप लोग सोचेंगे कि इसका ग्राउंड तो बॉडी से ले लेता है मतलब ये जो हॉर्न, लेकिन ये नहीं है। इसका जो हॉर्न है इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अलग से तार गया है, तो इसके आपस में मतलब इसका पॉजिटिव तार छिला हुआ है, तो ये बॉडी में टच होकर ग्राउंड पर आए। तो मैं क्या कर रहा था, इसका जो दोनों तार है उसका गैप बना दिया हुआ, ठीक है, और बॉडी से भी टच अगर मतलब ना हो तो ऐसा गैप दिया रख कर इसका फ्यूज चेंज कर देख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको चेंज कर देख रहा हूँ कि इसके वजह से हो रहा है कि नहीं, फ्यूज कट जा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं कटेगा तो क्या करूँगा, वहाँ पर टेप लगा कर छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात देखिए फ्यूज कटा हो गया, तो एक नया फ्यूज लिखे उसको लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी वजह से पूरा डैशबोर्ड मुझे खोलना पड़ा है, ठीक है। ये मत देखिए छोटा सा फ्यूज,
देखिए चीता सब करके मैं नया फ्यूज लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कैसे रखा हो, देखिए यहाँ पर गैप बना रखा हो और बॉडी से भी दूर रखा हो देखिए पैर, ताकि इसमें टच पूरी पर टच ना हो, ठीक है। टच होगा तो फिर से चीज कट जाएगा, ठीक है। देखिए कितना गैप बना दिया हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसका फ्यूज को भी लगा दिया हो, अभी क्या करेंगे इसके चाबी को मैं ऑन करूँगा, ऑन करके देखूँगा क्या इसका फ्यूज कट जाएगा कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, मैं गौर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्यूज अभी कटा हुआ नहीं है, लेकिन ये देखिए ऑन भी कर दिया डैशबोर्ड और मैं लाइट चलाया है, लेकिन फ्यूज नहीं कटा हुआ है। लेकिन इसका जब चेक करा इसका वाईफाई तो नहीं चल रहा है, क्योंकि क्यों नहीं चल रहा है वो आप लोगों को दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका काबलर तो हम खोल दिया हूँ, तो वो लगाना मैं भूल गया था, इसलिए इसका देखिए मैं क्या कर रहा था, देखिए मैं फिर से फ्यूज को फिर से चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर कट जाएगा तो मैं मुझे पता क्या चलेगा, क्योंकि नहीं चल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कट जाएगा तो मैं फिर से चेक कर रहा हूँ दोबारा कि कट गया कि नहीं है। तो इसके बाद देखिए बेंच एकदम फ्यूज एकदम ठीक है, नहीं कटा हुआ है। तो इसके बाद क्या करूँगा, इसको फ्यूज को लगा देकर उसका काबला देखिए खोला है, तो इस कपलर को मैं लगा देकर आप लोगों को दिखाऊंगा इसका वाइपर चलेगा कि नहीं है, ठीक है, चल रहा है कि नहीं है। और हॉर्न बजेगा मतलब इसका देखिए फ्रेंड्स, हॉर्न नहीं बजेगा क्योंकि इसका हॉर्न का ट्यूनिंग करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हॉर्न नहीं बजेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिए कपलर हम लगा दिया हो अभी, देखिए एक हाथ से मैं वीडियो कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं इसका फ्यूज लगा दे रहा हूँ, देखिए अभी हम इसके चाबी को ऑन करेंगे, ऑन कर दिखाऊंगा इसका वाइपर चल रहा है कि नहीं। देखिए इसमें गैप बना दिया हो, तो देखिए फ्रेंड्स इसका गैप बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अभी हम वाइपर को चलाऊंगा और इसका देखिए सब कुछ चला कर दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका चाबी अभी ऑन कराऊँगा, ऑन करके दिखाऊँगा। तो देखिए मैं चाबी को ऑन कर दिया हूँ और हॉर्न को बजाऊंगा, तो थोड़ा सा बीप हुआ, लेकिन अभी करना पड़ेगा, लेकिन वाइपर देखिए चल रहा है, देखिए कट जाएगा तो वाइपर नहीं चलेगा, लेकिन इसका वाइपर चल रहा है, इसका वजह से ही मेरा मुझे प्रॉब्लम है, ये मैं 100% श्योर हो गया, ठीक है भाई। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ हॉर्न नहीं बज रहा है क्योंकि हॉर्न का ट्यूनिंग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स, इसको टेप करना पड़ेगा, टेप करने के छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा, और हॉर्न को ट्यूनिंग करके छोड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।